हेलो फ्रेंड्स, तो आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में और आपके अपने किचन में, जिसका नाम है सुजाता मैजिकल मोमेंट्स। तो आज की हमारी डिश होने वाली है शादियों वाला, पार्टी वाला और रेस्टोरेंट स्टाइल मिक्स वेज, जो कि सबों को बहुत ही पसंद आता है और ये बहुत ही कम सामग्री में बनी। इसके लिए मैंने पनीर लिया है, दो आलू, थोड़े से बीन्स और हरी मिर्च है, थोड़े से गोभी, शिमला मिर्च और गाजर है, जिसे कि मैंने कुछ लंबे और कुछ गोल स्लाइस में कट किया है, और बारीक कटा हुआ प्याज। यहाँ पे प्याज को मैंने बारीक कट कट किया है, और दो से तीन टमाटर हैं चॉप्ड किए हुए, और ये अदरक और लहसुन का ग्रेटेड पेस्ट है। अब देखिए, इसमें हम सबसे पहले तो तेल डालेंगे, कुकिंग ऑयल इसमें मैंने ऐड किया है। अब पनीर को फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 200 ग्राम के करीब पनीर लिया है, क्वांटिटी आप घटा बढ़ा सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। तो अब पनीर को थोड़े स्क्वायर्स में मैंने कट किया है, आप अपने हिसाब से जैसा भी शेप पसंद हो कट करें। ये देखिए, यहाँ पे पनीर फ्राई हो चुका है, तो पनीर को अब हम निकाल लेंगे। तो हमें लाइट फ्राई भी फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा नहीं। और यहाँ पे मैंने फिर से उसी तेल में जीरा को डाला, सूखी लाल मिर्च एक, और अब हम इसमें सब्जियों को फ्राई कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने गोभी को डाला है और इसे थोड़ा सा फ्राई करेंगे। अभी मार्केट में ये सारी सब्जियाँ बड़ी इजीली अवेलेबल होती हैं, तो मिक्स वेज बनाना बहुत ही ईजी होगा। तो ये देखिए, गोभी को मैंने डाला और इस तरह से चलाएंगे, और फ्लेम की बात करूं तो मीडियम ही रहेगा फ्लेम हमारा। अब इस स्टेज पर मैंने गोभी को 2 मिनट भूनने के बाद यहाँ पर बीन्स और हरी मिर्च भी डाला। अब हम इसे फिर से चलाएंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा और चला लेंगे सब्जियों को। अब इसे ढक के हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। ढकने से क्या होता है, थोड़ी सब्जियाँ जल्दी पकती है, सॉफ्टनेस आती है और बड़ी अच्छे से वो भुन जाते हैं। अब इस स्टेज पर जो सारी सब्जियाँ हैं, आलू, गाजर, शिमला मिर्च, मैंने सभी डाला। आप इसमें चाहे तो मटर भी डाल सकते हैं, पर मैंने मटर को स्किप किया है। अब यहाँ पे थोड़ा नमक डालेंगे, जिससे सब्जियाँ गलें, थोड़ा भूनते भूनते ही गल जाए, तो बहुत ही अच्छा ये बन के तैयार होंगी। तो इस तरह से हम भूनेंगे, लगभग सब्जी हमारी भून चुकी है। ये देखिए, गोभी और सारी सब्जियाँ लाल हो चुकी हैं, हल्का सॉफ्टनेस इसमें बरकरार है, सॉफ्टनेस आ चुकी हैं। तो इस स्टेज पर हम एक बर्तन में सारी सब्जियों को निकाल लेंगे। तो इस तरह से देखिए, भूनने के बाद सारी सब्जियों को निकाल लेंगे। और अगर आप दूसरा पैन में इसका ग्रेवी बनाना चाहें तो आप दूसरा पैन ही चढ़ा लें, पर मैं उसी बर्तन में बना रही हूँ। अब यहाँ पे थोड़े से तेल डालेंगे, 2 चम्मच के करीब। अब ग्रेटेड अदरक और लहसुन का जो मैंने पेस्ट लिया था उसे डालेंगे, और थोड़ा सा 10 सेकेंड के लिए इसे भून लेंगे, जिससे कि इसकी इसमें भी कच्चापन की चला जाए इसका। तो ये देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा भूनने के बाद इसमें जो बारीक कटा हुआ प्याज लिया था ना, उसे ऐड करेंगे। अब उसे भूनेंगे प्याज को, और मीडियम ही फ्लेम रहेगा हमारा। मीडियम फ्लेम पे बड़ी अच्छे से सब्जियां भुन जाती हैं, और थोड़ा सा भी जलने का डर नहीं रहता। तो इस तरह से हम भूनेंगे। अब यहाँ पर जो मैंने टमाटर लिया था ना 2 से 3, उसकी प्यूरी बना लेंगे। तो ये देखिए, ये टमाटर की प्यूरी तैयार है। अब इसमें नमक डालेंगे, जिससे कि हमारा प्याज जो है थोड़ा गल जाए। नमक डालने से प्याज जल्दी गल जाता है। तो ये देखिए, प्याज थोड़ा गलना शुरू हो चुका है। अब इस स्टेज पर हम टमाटर की प्यूरी को इसमें डालेंगे। तो ये देखिए, टमाटर की प्यूरी को मैंने ऐड किया, और इसे अब मसालों को, टमाटर प्याज को भूनेंगे। जब तेल छोड़ने लगे, आप देख पा रहे होंगे तेल छोड़ रहा हो, तो यहाँ पे मसालों को मैंने डाला, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर और जीरा पाउडर भी। तो सारे मसालों को डाल के इसे चलाएंगे।
अब जब भून गया मसाला भी, तो सब सारी सब्जियां को जो हमने निकाल रखा था ना, उसे वापस ऐड करके फिर से उसे चलाएंगे, और सबसे लास्ट में पनीर को डालेंगे। 1-2 मिनट भूनने के बाद पनीर इसमें डालेंगे और पानी डालेंगे 1 गिलास से थोड़ा सा कप, और फिर से मीडियम फ्लेम पे इसे जरा कुक करेंगे। अब थोड़ा जब ये कुक हो जाए 5 मिनट, तब इसमें हम कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, गरम मसाला पाउडर डालेंगे और क्रश करके कसूरी मेथी। इस सब मसालों का इसमें बड़ा ही परफेक्ट टेस्ट आता है, और ये सब्जियां आपकी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनने वाली हैं। देख रहे हैं ना कलर और टेक्सचर कितना बढ़िया आया है। तो अब देखिए यहाँ पे सब्जियां लगभग बन के तैयार है। गैस का फ्लेम मैंने बंद किया, देख रहे हैं कितना प्यारा कलर आया। अब इसे हम डिश आउट भी कर लेते हैं। तो ये देखिए फाइनली रेस्टोरेंट स्टाइल, बाजार और शादियों वाली मिक्स वेज बन के तैयार है। इसे पूरी, पराठा, जीरा राइस किसी भी चीज़ के साथ सर्व करें, और बताएं कि ये कैसे बनी। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ना तो बिल्कुल ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।